दोस्तों बिस्लेरी इंडिया की एक ऐसी कंपनी जिसने सबसे पहले इंडिया में पैकेज्ड वाटर सेल करना शुरू किया और आज बिस्लेरी 60% मार्केट शेयर के साथ पूरी पैकेज्ड वाटर मार्केट को डोमिनेट करती है। बट आश्चर्य की बात यह है कि आज इस कंपनी को टाटा ग्रुप को सेल करना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण रहे होंगे, तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे और यह भी जानेंगे कि एक बॉटल को पैकेज करने से सेल करने तक कितना खर्च आता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों बिस्लेरी एक इटालियन कंपनी है जिसे एक इटालियन एंटरप्रेन्योर सिग्नोर फेलिस बिस्लेरी द्वारा लगभग 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था और बिस्लेरी का नाम इसी एंटरप्रेन्योर के नाम पर पड़ा था। बिस्लेरी का पहला प्लांट मुंबई के ठाणे में लगाया गया था। शुरुआत में इन्होंने मार्केट में दो प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची जिसमें से पहला था बिस्लेरी सोडा और दूसरा था बिस्लेरी वाटर। बट प्रॉब्लम यह था कि बिस्लेरी के ये प्रोडक्ट बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स में तो बिक रहे थे पर आम लोग इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आम लोगों का यह सोच था कि पानी को खरीद कर पीना एक फिजूल खर्च माना जाता है और हालात कुछ ऐसे बन गए कि प्रोडक्ट ना बिकने के कारण 1969 में यह कंपनी पार्ले ग्रुप को 4 लाख में बेचनी पड़ी जिसे रमेश चौहान द्वारा लीड किया गया। रमेश चौहान जी बिस्लेरी को एज अ सोडा ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने पूरे देश में बिस्लेरी के लिए 5 स्टोर ओपन किए जिसमें से 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में ओपन किए गए। और फिर उसके बाद 1977 में गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण कोका कोला जैसी बड़ी ब्रांड को इंडिया से एग्जिट करना पड़ा, तो फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए रमेश जी ने सॉफ्ट ड्रिंक को बिस्लेरी के अंडर ही इंट्रोड्यूस किया जैसे कि लिम्का, थम्सअप, माजा। पर यह लंबे समय तक नहीं चल पाई क्योंकि 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के रूल्स के अनुसार कोका कोला इंडियन मार्केट में वापस आ गई। देखते ही देखते 1993 में कोका कोला ने बिस्लेरी के सारे सॉफ्ट ड्रिंक को 400 करोड़ में खरीद लिए। अब रमेश चौहान जी के पास वाटर बोतल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, यहीं से उन्होंने बिस्लेरी को एक बड़ा ब्रांड बनाने की सोची। दोस्तों बिस्लेरी को एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए रमेश जी ने कई स्ट्रेटेजी को अपनाया ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा बिस्लेरी का पानी पहुंच सके। सबसे पहले रमेश जी ने 1993 में ग्लास बॉटल से प्लास्टिक बॉटल में स्विच किया जिसके बाद उनका खर्च तो बचा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में भी ज्यादा फायदा हुआ। जहां 1993 में बिस्लेरी केवल 60 टाउन में ही वाटर को पहुंचा पा रहा था, वही प्लास्टिक बोतल के कारण 1997 तक बिस्लेरी 250 टाउन तक पानी को पहुंचा पाया और आज पूरे इंडिया में बिस्लेरी के पास लगभग 150 ऑपरेशनल प्लांट, 6000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 7500 से भी ज़्यादा ट्रक्स अवेलेबल हैं। और इन सब के बदौलत आज बिस्लेरी इंडिया का 60% मार्केट कैप्चर करता है। साथ ही साथ रमेश जी ने मार्केटिंग पर भी अच्छे से काम किया। उन्होंने बिस्लेरी को एक प्योर और प्रीमियम मिनरल वाटर के रूप में दिखाया और बार बार लोगों को ये एड्स दिखाने के कारण लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और ज़्यादा लोग बिस्लेरी के पानी को पीने लगे। इस मार्केटिंग ने लोगों के दिमाग में बिस्लेरी का नाम पानी से ही जोड़ दिया, तभी तो लोग पानी की जगह बिस्लेरी मांगते हैं। और साथ ही साथ रमेश जी ने सामाजिक जिम्मेदारियों को भी ध्यान से रखा जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग, PET रिसाइकलिंग एंड प्रोमोटिंग ओजोन थेरेपी। इन सब के कारण बिस्लेरी ब्रांड की इमेज भी आज इन्हेंस कर गई और साथ ही साथ इंडिया की नंबर 1 पैकेज्ड वाटर ब्रांड भी बन चुकी है। अब तो क्वेश्चन यह आता है कि ऐसा क्या हुआ कि 4 लाख कंपनी की वैल्यूएशन से 7000 करोड़ की वैल्यूएशन तक ले जाने के बावजूद भी आज रमेश जी को यह कंपनी टाटा ग्रुप को बेचना पड़ रहा है। दरअसल रमेश जी का यह कहना है कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और जिससे कि उनको कई तरह के हेल्थ इशू भी होने लगे हैं और इसे वह बेचना चाहते हैं। और इनकी इकलौती बेटी जो कि जयंती चौहान है, वह इस बिजनेस में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो यह डील टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बिस्लेरी के बीच में लगभग 6000 से 7000 करोड़ के बीच में होने वाली है। और अगर टाटा बिस्लेरी को खरीद लेते हैं तो यह तो साफ है कि टाटा पैकेज्ड वाटर में नंबर 1 बन सकते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया है यह जानने का कि एक बिस्लेरी बॉटल को पैकेजिंग से लेकर सेलिंग करने तक में कितना खर्च आता है। अगर 1 लीटर पानी की बोतल की बात करें जो कि मात्र 20 रुपए की आती है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 2 रुपया है, पैकेजिंग कॉस्ट 1 रुपया, सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट 4 रुपया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 4 रुपया और रिटेलर कॉस्ट 6 रुपया है। पर हैरानी की बात तो यह है कि पानी का कॉस्ट सिर्फ 0.002 तक ही होता है। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।